किया, वोट मांगा, लेकिन हजार खोली के अंदर मैंने अभी तक वोट नहीं मांगा था। और आज मैं आप लोगों से, मेरे अपने परिवार से, हजार खोली माडा प्लाट, ये मेरा अपना घर है, ये मेरा अपना परिवार है, और मैं अपनों से वोट मांगने के लिए, मेरी माँ बहनों से वोट मांगने के लिए आज मैं खड़ा हुआ हूं। मैं अपील करता हूं आप लोग अपना बेटा समझकर, अपना भाई समझकर, अपना दोस्त समझकर, अपना साथी समझकर आप मुझको 21 तारीख को पंजा निशान पर वोट देकर कामयाब करें। मेरी सियासी शुरुआत सबसे पहली सीढ़ी, अगर किसी ने मुझको सियासत में हाथ पकड़कर चढ़ाया तो ये हजार खोली और माडा प्लाट के लोग हैं। दूसरी सीढ़ी अगर किसी ने मुझको चढ़ाया सियासत में तो ये हजार खोली और माडा प्लाट के लोग, जब मैं मेयर बना। और तीसरी सीढ़ी लोगों ने मुझको एमएलए बनाया, मालेगांव शहर की आवाम ने, तो आप लोगों का, इस इलाके के बुजुर्गों का, इस इलाके के नौजवानों का, इस इलाके की मेरी मां और बहनों का, और छोटे छोटे मासूम बच्चों का, आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा सपोर्ट है, जो आपने 2014 में मुझको एमएलए बनाया था। और अभी मैं 2019 का असेंबली का चुनाव लड़ रहा हूं दोबारा, और मैं शहर से तो वोट मांगा और आप लोगों से भी मैं वोट मांगने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि 2014 से 2019 तक का जो मेरा सियासी सफर रहा, सिर्फ मैंने मेरी अपनी सनात तामीर की, तरक्की की सनात तो मैंने नहीं बनाई, और मालेगांव तक मैं महदूद नहीं रहा, बल्कि इन 5 सालों के अंदर आप लोगों ने जो ताकत दी, आप लोगों का जो हौसला रहा, मैंने महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों की नुमाइंदगी करके असेंबली के अंदर आप लोगों का सर फख्र से ऊंचा करने का काम किया हूं। मैंने हमेशा आप लोगों का सर ऊंचा करने का काम किया। कुछ लोग यहां पर हमारी हजार खोली के अंदर स्टेज लगाकर बहुत सारी बातें करके गए, मैं उन लोगों की मुजम्मत करता हूं कि इस हजार खोली महाडा प्लाट नया इस्लामपुरा के रहने वालों को जो बदनाम करने की कोशिश की गई, मैं मुजम्मत करता हूं ऐसे लोगों की जिन्होंने इस इलाके को बदनाम करने की कोशिश की। मैं पूछना चाहता हूं मेरी मां बहनों से, मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, क्या अल्लाह का बहुत एहसान वो करम है कि पूरे हजार खोली और महाडा प्लाट के रहने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, हम तो इस हजार खोली और महाडा प्लाट के अंदर एक चाय की होटल चलाने की इजाजत हम लोग नहीं देते, ताकि हमारी मां बहने और हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को कोई तकलीफ ना हो, यहां के रहने वालों को कोई तकलीफ ना हो,
चाय की होटल भी हम लोग लगने नहीं देते, और हमारे नौजवानों को बदनाम किया गया कि ये नशा करते हैं। मुझे बताओ कि एक खोली हजार खोली की या माने पलाई या नए इस्लामपुरे की एक खोली आप मुझको बता दो कि कहीं पर एक जगह नशे की चीज बिकती है, और इस तरीके की बात करके इस इलाके को बदनाम किया जा रहा है सिर्फ एक कुर्सी हासिल करने के लिए। आवाम को गलत फहमी आवाम की हो जाए, लेकिन उनको यह नहीं समझता कि हमारी बच्चियों को रिश्ते के अंदर कैसी तकलीफ होती है जब ये तकरीर करके चले जाते हैं। आज आप लोगों की जिम्मेदारी बन गई, मेरी मां बहनों जो घरों में बैठी है मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप लोगों की जिम्मेदारी है कि उन लोगों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आपको 21 तारीख को बाहर निकलकर इतनी ओर देना है कि वो आइंदा हजार खोली के अंदर कोई जलसा कोई मीटिंग लेने आए तो उनको सच सोचना पड़े। मैं मेरे बुजुर्गों से नौजवानों से कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से इल्जाम लगाकर वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं तो ये क्या समझते हैं कि सिर्फ वो यही हज पर जाते हैं, यही उम्रा करने जाते हैं? मालेगांव शहर के 70% लोग अब हज और उम्रे के ऊपर जा रहे हैं, और सबके पेट में जमजम भी है और सबके पेट में खजूर भी है। क्या आपको अपने अमल का हिसाब अल्लाह ताला आपसे नहीं मांगेगा? अरे हर मुसलमान को हिसाब देना है, दुनिया में आया है अमल लेकर जाना है, कोई प्रॉपर्टी कोई जायदाद लेकर वहां नहीं जाना है। अगर हमारे अमाल खराब हो गए तो हम वहां जवाब देंगे अल्लाह को, तुम हमसे जवाब लेने के लिए कोई नहीं होते हो। आप एक आलिम जरूर हो, हम आपकी इज्जत करते हैं और इंशाल्लाह आगे तक करेंगे, लेकिन सियासत के अंदर आप नाकाम हो गए। सियासत के अंदर तुमने भ्रष्टाचारी की, सियासत के अंदर तुमने टिकट लेकर पैसा लेकर टिकट देने का काम किया, आपने मेयर बनाने के लिए पैसा लिया, स्टैंडिंग चेयरमैन बनाने के लिए पैसा लिया, आपने टॉपचन का दारू वाली को ज्योति भोसले को आपने टॉपचन का मेंबर बनाया और उससे लाखों रुपया लिया। नरेंद्र सोने जो बियर बार का मालक है शराब बेचता है आपने उसको डिप्टी मेयर, आपने उसको स्टैंडिंग चेयरमैन बना के दारू बेचने वालों को आपने पैसा लेके ओहदा दिया, और मुसलमानों के कॉर्पोरेटर के बल मुद्दे के ऊपर तुमने पूरी कौम को बेचने का काम किया। आप किसको सिखाते हो ये बात? क्या हमारी माँ बहनों को नहीं पता? क्या ये शहर की आवाम को नहीं पता है? ये आवाम सब जानती है। आप जब वोट लेने की बात आती है तो मुसलमानों को जज्बात से और मजहब के नाम पर वोट लेते हैं। इस कॉर्पोरेशन के चुनाव के अंदर आपको इस शहर की आवाम ने 20 कॉर्पोरेटर दी, लेकिन आपने किसको कॉर्पोरेशन का मेंबर बनाया? बनाए कोई आलिम को, बनाए कोई मस्जिद के इमाम को, बनाए कोई जमीतुल उलमा के अहदेदारान को, बनाया आपने कोई मदरसे के हाफिज को, बनाया कोई शहर के डॉक्टर को, बनाया आपने कोई शहर के इंजीनियर को, बनाया कोई टीचर को? आपने नहीं, मुसलमान को नहीं बनाया, गोरसे को बनाया, गोरसे को आरएसएस का आदमी है गोरसे, आपने पैसा लेकर उसको दे दिया कॉर्पोरेशन की मेंबरी। क्यों आपको इस मुसलमानों की बस्ती के अंदर कोई मुसलमान नजर नहीं आया? उस वक्त तुम्हारे तकवा कहा जाता है, उस वक्त तुम्हारा स्थायी सियासत कहा जाती है। ये जवाब इस शहर के आवाम का आपको देना होगा। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि 21 तारीख को आपका बेटा खड़ा है, आपका
मैं इज्जत हूं, अगर आपको मेरी इज्जत का ख्याल है, तो आपको अगर मेरी इज्जत बचाना है तो आपको सबसे ज्यादा उठो से मुझको नवाजना पड़ेगा। इस इलाके से मैंने बहुत लड़ा हूं, 5 साल शहर की खिदमत अंजाम दिया हूं, मेरी बच्चियों के लिए बहुत लड़ा हूं, मेरे तलबो तालबात के लिए बहुत जद्दोजहद किया हूं, तालीम के अंदर बहुत काम किया हूं, सनद का बहुत काम किया हूं, गरीबों का बहुत काम किया हूं, मजदूरों का बहुत काम किया हूं, इस शहर के हर वर्ग का मैंने काम करने की कोशिश की। मैंने अपने आप को पूरी तरीके से 5 साल आपके बीच में रहकर मैंने शहर की खिदमत किया हूं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझको क्या सिला देते हैं, पैसा आपके हाथ में।